हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। टुडेज अवर टॉपिक इज लॉज ऑफ मोशन, 11th फिजिक्स। देखिए, हमने आपको लास्ट हमारे वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने मोशन के कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर किए। अब हमको उसको एडवांस में पढ़ना है, लॉज ऑफ मोशन। 9th क्लास के भी सिलेबस में आपका नया लॉज ऑफ मोशन होता है। आप सभी ने 9th क्लास में भी लॉज ऑफ मोशन पढ़ा होगा, तो वहाँ पर बहुत बेसिक नॉलेज आपको मिला, उसी को हम 11th क्लास में एडवांस करेंगे। क्लियर? तो नाउ अवर चैप्टर इज लॉज ऑफ मोशन। मोशन के रूल्स, बेसिकली मोशन से रिलेटेड रूल्स न्यूटन ने दिया। मोशन के जितने भी रूल्स हैं वो न्यूटन ने दिया, 3 रूल्स दिया, वो सब इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। लेकिन न्यूटन के रूल्स या लॉज ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ द फोर्स। व्हाट इज फोर्स? देन कॉन्सेप्ट ऑफ द फोर्स इज, फोर्स क्या है, फोर्स क्या होता है, फोर्स का क्या काम है। हम लोअर क्लास में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका 2 द पॉइंट डेफिनेशन पढ़ते हैं। ए पुश आर पुल ऑन ए बॉडी इज फोर्स। आपने भी 9th क्लास में ही पढ़ा होगा कि किसी बॉडी को पुश करना या पुल करना। सपोज मेरे को इस टेबल को यहाँ से डिस्प्लेस करना है, पुश करूँगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। ये डोर मुझे ओपन करना है, पुल करूँगा, वो डोर ओपन हो जाएगा। दैट मीन्स पुश आर पुल इज फोर्स, बट इट इज़ द लिमिटेड सेंस ऑफ द फोर्स। यह फोर्स का लिमिटेड सेंस है। यदि हम बहुत ब्रॉड में फोर्स के बारे में सोचें, एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो फिजिक्स में सबसे ज़्यादा नाम से यदि किसी चीज़ को जाना जाता है तो फोर्स है। प्रेशर फोर्स है, टॉर्शन फोर्स है, इलास्टिसिटी भी एक तरह का फोर्स है, स्ट्रेस भी फोर्स है, टेंशन भी फोर्स है, बहुत सारे फोर्स हैं। तो फोर्स के अलग अलग सिचुएशन में नाम बदल जाते हैं, इसलिए फोर्स को मैं फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मान के चलता हूँ। तो मैं यहाँ पर थोड़ा कोशिश करूँगा कि मैं फोर्स का डिटेल आपको डिस्कशन उसके साथ कर सकूँ। तो फोर्स सिंपल मीनिंग क्या हुआ, ए पुश आर पुल इज ए फोर्स। बट इन द ब्रॉड सेंस द वर्क ऑफ फोर्स इज चेंज द पोजिशन आर चेंज द साइज शेप आप एनी बॉडी। दैट मीन्स फोर्स इज ए एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट विच चेंज आर ट्राई टू चेंज पोजिशन, साइज, शेप, रेस्ट, मोशन एंड सो ऑन ऑफ द बॉडी। क्या मतलब हुआ इसका, कि फोर्स एक ऐसा चीज है जिसको हम कहीं अप्लाई करें तो वो क्या करता है, बॉडी को डिस्प्लेस कर सकता है, मतलब रेस्ट को मोशन मिला सकता है, मूविंग बॉडी को रेस्ट मिला सकता है, बॉडी को डिफॉर्म कर सकता है, उसका फॉर्म चेंज कर सकता है। कहीं हम हीटिंग हैमरिंग करें तो हैमरिंग करेंगे तो बॉडी का शेप चेंज हो जाता है, साइज चेंज हो जाता है। ये सारा वर्क किसका है, फोर्स का है। दैट मीन्स फोर्स इज ए एक्सटर्नल एजेंस विच चेंज आर ट्राई टू चेंज। देखिए मैंने डेफिनेशन में क्या बोला हूँ, चेंज आर ट्राई टू चेंज। सपोज मैं इस वॉल को पुश कर रहा हूँ तो मैं उसको पोजीशन में चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं फोर्स तो लगा रहा हूँ। दैट मीन्स यदि किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया जाए और फोर्स अप्लाई करने से उस बॉडी के पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है, तब भी हम उसको फोर्स कहेंगे, क्योंकि वो चेंज करने का प्रयास कर रहा है, ट्राई कर रहा है। क्लियर? तो ये होता है फोर्स का कॉन्सेप्ट। अब अपन देखते हैं इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स जो यूज होता है वो है इनर्सिया। इनर्सिया क्या है, व्हाट इज इनर्सिया? गैलीलियो ने, न्यूटन ने इनर्सिया का कॉन्सेप्ट दिया। इनर्सिया समझने के बाद ही हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को समझ पाते हैं। इनर्सिया क्या है, एक बॉडी का एक नेचर है। किस तरह का नेचर है, कि पूरे यूनिवर्स में कोई भी बॉडी अपने इनिशियल कंडीशन में चेंज का अपोज करता है। दैट मीन्स वह रेस्ट में रहता है तो रेस्ट में रहना चाहता है, यदि मोशन में रहना चाहता है तो मोशन में रहना चाहता है, जिस डायरेक्शन में जाता है उसी डायरेक्शन में जाना चाहता है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं करना चाहता है। ये सब जो बिहेवियर है वो क्या है, उसका इनर्सियल नेचर है, वो इनर्सिया है। दैट मीन्स टू द पॉइंट हम डेफिनेशन क्या कर सकते हैं इनर्सिया का, इनर्सिया इज द नेचर ऑफ
एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट विल बी इन रेस्ट रिमेन इट विल बी इन रेस्ट एंड इफ इट इज इन मोशन इट विल बी ऑलवेज कंटिन्यूअस इन मोशन इज कॉल्ड इनर्सिया। ये बॉडी का इनर्सियल नेचर है। यदि वो रेस्ट में है तो रिमेन इन रेस्ट, रेस्ट में ही रहना चाहता है। इट विल बी रिमेन इन रेस्ट, रेस्ट में ही रहना चाहता है। इफ इट बॉडी इज मूविंग इट विल बी कंटिन्यूअस इन मोशन, मोशन में तो मोशन में रहना चाहता है, लेकिन अपने पोजिशन में चेंज कर लेता है, मूविंग बॉडी रेस्ट में आ जाता है, रेस्ट बॉडी मूविंग में आ जाता है। क्यों आ जाता है? फोर्स अप्लाई करने से। क्लियर? तो इनर्सिया क्या है? बॉडी का एक नेचर है। इस बेस पर इनर्सिया के हम थ्री टाइप्स पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ इनर्सिया। फर्स्ट इज इनर्सिया ऑफ ऑफ रेस्ट, रेस्ट बॉडी के इनर्सिया, मतलब जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहता है। नेक्स्ट इज इनर्सिया ऑफ मोशन, जो मोशन में है ऑलवेज मोशन में रहना चाहता है। एंड थर्ड इज इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन मतलब जैसे कोई बॉडी किसी डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो वो अपने डायरेक्शन को भी चेंज नहीं करेगा जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। सपोज मैं अपने व्हीकल के स्टेयरिंग को, कार को सीधा पकड़ा हूँ और उस पर मैं कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूँ तो कैसा जाएगा? वो सीधा जाएगा। लेकिन सपोज मैं अपने कार को क्या करना चाहता हूँ, टर्न करना चाहता हूँ, तो क्या करना पड़ेगा? मेरे को फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन भी एक तरह का इनर्सिया है, जिसमें वो जिस डायरेक्शन में जाता है, जिस डायरेक्शन में उसका मोशन है, वो उसी डायरेक्शन में कंटिन्यूअस रहना चाहता है। क्लियर? दिस इज द टाइप ऑफ इनर्सिया, इनर्सिया ऑफ रेस्ट, इनर्सिया ऑफ मोशन एंड इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन। इस बात को लेके न्यूटन ने जो फर्स्ट रूल बनाया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्सिया। न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्सिया ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इन्हीं बातों को अपने स्टेटमेंट में बताया, इफ ए बॉडी इज रेस्ट इट विल बी रिमेन इन रेस्ट एंड इट ए बॉडी इज इन मोशन इट विल बी कंटिन्यूअस इन मोशन अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड। मतलब ये कब तक रहेगा? उन्होंने बोला जब तक उसमें कोई हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। दैट मीन्स यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, यदि कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है। और कब तक? जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं अप्लाई करते। दिस इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। देखो न्यूटन्स के बहुत सारे रूल ऐसे हैं जिसमें कोई फार्मूला डेरिवेशन नहीं है, कोई बहुत लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई डिफिकल्ट थ्योरी नहीं है, लेकिन वो फैक्ट है। इसीलिए न्यूटन को बोला जाता है साइंटिस्ट ऑफ द नेचर। न्यूटन ने अपने सारे रूल्स नेचर में सर्च किया। क्लियर? तो इनर्सिया ये ह्यूमन बिहेवियर में भी होता है। ह्यूमन बिहेवियर में कैसा होता है? जो लेजी है, वर्क नहीं करना चाहता, उसको कुछ भी करो वर्क नहीं करना चाहता, लेकिन जो करना चाहता है वो करना चाहता है। मतलब हमारे बिहेवियर में भी होता है कि हम जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं, लेकिन कब तक? जब तक हमको उसको कोई फोर्स न लगाए। जैसे कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ना चाहता, वो नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन कब तक? जब तक टीचर्स, पेरेंट्स उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करते। तो न्यूटन को इसीलिए बोला जाता है साइंटिस्ट ऑफ द नेचर। न्यूटन के जितने भी रूल्स हैं वो हमारे हमारे बिहेवियर में, हमारे डेली लाइफ में भी एप्लीकेबल है सारे रूल्स। अब देखिए इसके हमें कुछ फिजिक्स में आपको एग्जाम्पल बताऊँ लॉ ऑफ इनर्सिया का। जैसे आप इसके एग्जाम्पल आपके डेली लाइफ से रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल सपोज हम किसी रेस्ट, किसी व्हीकल पर बैठे हैं, सपोज अपन कार में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं या बाइक में पीछे बैठे हैं और अभी वो व्हीकल रेस्ट कंडीशन में है, तो आपको इस बात का एक्सपीरियंस होगा कि अचानक हमारा व्हीकल चलने लगे, हमारी गाड़ी अचानक चलने लगे तो क्या होता है? हम पीछे झुक जाते हैं। इसका जस्ट अपोजिट भी होता है। कैसे? यदि हम किसी मूविंग बॉडी में बैठे हैं, कार में बैठे हैं और ड्राइवर यदि अचानक ब्रेक अप्लाई करें तो हम आगे झुक जाते हैं, ये आपने देखा होगा। या हम किसी रनिंग व्हीकल से जंप कर जाएं तो सामने की तरफ गिर जाते हैं। ये सारा एग्जांपल न्यूटन्स
फर्स्ट क्लास रिलेटेड है। कैसे? सपोज हम किसी रेस्ट व्हीकल में बैठे हैं, व्हीकल अचानक चलने लगता है तो हमारे कमर से नीचे तक का जो पोर्शन है वो व्हीकल के अटैचमेंट में होता है, वो तो मोशन में आ जाता है, लेकिन हम रेस्ट में रहते हैं तो पीछे चले जाते हैं। या अचानक ब्रेक लगाने से नीचे का पोर्शन रेस्ट में आ जाता है, ऊपर का पोजिशन मोशन रह जाता है, वो आगे चलाता है। या आप किसी ट्री को आप हिलाते हो तो उसके जो फ्रूट्स होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे आप ट्री को इस तरह से हिलाते हो तो ट्री के जो ब्रांचेस हैं वो तो मोशन में आ जाते हैं, बट उसमें जो फ्रूट्स लगे हुए हैं वो रेस्ट में रहना चाहता है, और फिर क्या करता है, उसको अलग हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कह दिया कि स्टडी ऑफ द नेचर है, पूरे नेचर का स्टडी है, क्लियर। या एक ऐसा एग्जाम्पल आप लोग बुक्स में भी पढ़ें, ये सपोज़ कोई कंटेनर है, कोई ग्लास है, इस पर हमने इस तरह से ऊपर में कार्ड रख दिया, सपोज ये कोई कार्ड रख दिया, और कार्ड के ऊपर में हमने सपोज एक कॉइन रख दिया। अब यदि हम इस कार्ड को तेज़ी से खींचे, तो जैसे हम इस कार्ड को तेज़ी से खींचेंगे तो ये जो कॉइन होता है वो नीचे गिर जाता है। क्यों ऐसा नीचे गिर जाता है? क्योंकि कार्ड को मूव करने से कार्ड तो मोशन में आ जाता है, वो हो जाता है इनर्सिया ऑफ मोशन, और ये जो कॉइन इसमें रखा हुआ है वो रेस्ट इनर्सिया के कारण वो मोशन में नहीं आना चाहता और वो नीचे गिर जाता है। ऐसे बहुत से एग्जांपल हैं। तो ये है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, क्लियर। और इसमें स्टेटमेंट है और डेली लाइफ में एग्जांपल है, कुछ नहीं। नाउ नेक्स्ट, न्यूटन्स लॉ इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ने से पहले हमको फिजिक्स का एक और कॉन्सेप्ट समझना होगा, दैट इज मोमेंटम। मोमेंटम, व्हाट इज मोमेंटम? यहाँ पर अभी मैं मोमेंटम का एक जनरल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर रहा हूँ, बाद में इस चैप्टर के एंड में हम मोमेंटम को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। मोमेंटम इज ए फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाई पी, एंड पी इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वॉल्यूम। ये मोमेंटम का डेफिनेशन है, फार्मूला है। दैट मीन्स मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज, मोमेंटम ऑफ एनी मूविंग बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। किसी भी बॉडी के, किसी भी पार्टिकल के, किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और उसके वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो मोमेंटम होता है। और ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट होता है, यूनिट हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ये मास है तो हो जाएगा केजी, वेलोसिटी का मीटर सेकंड इन्वर्स। केजी मीटर सेकंड इन्वर्स इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। अब इसके कुछ स्पेशल केस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, देखिए स्पेशल केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में इसे क्वेश्चन कवर होते हैं। स्पेशल केस में फर्स्ट केस है, इफ एम इज कांस्टेंट। सपोज हमारे पास टू बॉडी, टू डिफरेंट बॉडी हैं। ये सपोज एक बॉडी है, इसका वेलोसिटी सपोज v1 है, ये सेकंड नंबर का बॉडी है, इसका वेलोसिटी सपोज v2 है। फर्स्ट का मोमेंटम सपोज p1 है, सेकंड का मोमेंटम p2 है, बट मास आर सेम, मासेस क्या है इसके, सेम है दोनों साम मेस। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, p1 इक्वल टू m इंटू v1 एंड p2 इक्वल टू m इंटू v2। दैट इम्प्लाइज p1 में p2 को हम डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा अपने को, p1 अपॉन p2 इक्वल टू v1 अपॉन v2, देयरफॉर p इज प्रोपोर्शनल टू v। इसका मतलब क्या हुआ, 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2, दैट मीन्स प्रोपोर्शनल रिलेशन है इसमें, वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो मोमेंटम ही इंक्रीज होगा। कब? जब बॉडी का मास क्या हो, कांस्टेंट हो। तो ये कॉन्सेप्ट ये कहता है, इफ मास ऑफ द टू बॉडी इज सेम देन इफ वेलोसिटी इज मोर देन इट्स मोमेंटम विल बी आल्सो मोर। दैट मीन्स दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है,
और इस कंडीशन में हम इसको यदि ग्राफ से रिप्रेजेंट करना चाहें तो ग्राफ से इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यदि हम x एक्सिस में मोमेंटम को और y एक्सिस में वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करें, मास कांस्टेंट है तो यहाँ पर दोनों के बीच जो ग्राफ आएगा वो इस तरह का आएगा। ये ग्राफ कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको कि ये किसका ग्राफ है, मास इज कांस्टेंट। ये प्रोपोर्शनल जब रिलेशन होता है तो ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। नाउ सेकंड केस इज इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। सपोज वेलोसिटी कांस्टेंट हो तब क्या हो जाएगा, पी वन इक्वल टू एम वन इंटू वी एंड पी टू इक्वल टू एम टू इंटू वी। नाउ पी वन अपॉन पी टू इक्वल टू, इसमें वेलोसिटी कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पर पी प्रोपोर्शनल टू एम हो जाएगा। दैट मीन्स इन दिस केस मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। सपोज टू बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है। ये सब देखिए, जैसे एक एग्जांपल बताऊँ आपको, सपोज एक कार है और ट्रेन है, कार और ट्रेन दोनों का वेलोसिटी सपोज कांस्टेंट है। सपोज द वेलोसिटी ऑफ कार इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड ए वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज आल्सो 60 किलोमीटर पर सेकंड। लेकिन ये चीज़ आपको पता होगा कि 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलने वाले कार को और 60 किलोमीटर पर आवर के चलने वाले ट्रेन को दोनों में से किसको रोकना आसान है। यदि ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करे तो किसको रोकना आसान है, वेलोसिटी दोनों का इक्वल है तो कॉमन सेंस में कोई भी क्या कर सकता है, दोनों को रोकना एक जैसा है क्योंकि वेलोसिटी तो दोनों का 60 है। बट ऐसा नहीं है, 60 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाले ट्रेन को रोकना बहुत डिफिकल्ट है। क्यों, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ट्रेन का मास ज़्यादा है, भले ही कार और ट्रेन का वेलोसिटी इक्वल है लेकिन ट्रेन का मास ज़्यादा होने के कारण उसका मोमेंटम ज़्यादा है, इसलिए ट्रेन को रोकना कार के रेस्पेक्ट में ज़्यादा डिफिकल्ट है। क्लियर, तो मास पर डिपेंड करता है। और इसके भी यदि हम ग्राफ को देखें तो ग्राफ इसका भी इस तरह से इस बन जाएगा, यहीं पर मैं ग्राफ बना देता हूँ। ये सपोज मोमेंटम है और ये मास है, तो मोमेंटम और मास के बीच में ग्राफ ड्रा करें तो ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा इस तरह से। नाउ थर्ड केस यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ये थर्ड केस, इफ पी इज कांस्टेंट, सपोज पी कांस्टेंट है, पी इक्वल टू एम इंटू वी होता है, एक बार हमने वेलोसिटी कांस्टेंट लिया मास को, अब हम किसको कांस्टेंट ले रहे हैं, पी को। तो पी को कांस्टेंट लेने से क्या हो जाएगा, देखिए पी इक्वल टू एम वन वी वन, अब मास और वेलोसिटी अलग अलग है, और पी इक्वल टू एम टू वी टू। नाउ फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड, तो ये वन हो जाएगा, कैंसल आउट हो गए, और ये एम वन वी वन अपॉन एम टू वी टू, दैट इम्प्लाइज एम वन वी वन इक्वल टू एम टू वी टू, दैट इम्प्लाइज एम वन अपॉन एम टू इक्वल टू वी टू अपॉन वी, देयरफॉर एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द वेलोसिटी। क्लियर, तो यहाँ पर देखिए क्या कंडीशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कंडीशन है, मतलब टू बॉडी के यदि मोमेंटम इक्वल हो, बॉडी का मोमेंटम इक्वल हो तो वेलोसिटी उसके मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जिसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा उसका मास कम, या जिसका मास ज़्यादा होगा उसका वेलोसिटी कम होगा इक्वल मोमेंटम पर। और इसका जो ग्राफ बनता है, ग्राफ मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ध्यान देंगे, इनका जो ग्राफ होगा वो इस तरह से बनेगा। सपोज हमने एक्स एक्सिस में वेलोसिटी ले लिया और वाई एक्सिस में मास ले लिया, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ इस तरह से बनता है। ऐसा क्यों बनता है, क्योंकि एक को आप इंक्रीज करेंगे तो दूसरा डिक्रीज होता है। क्लियर, इफ वेलोसिटी इज इंक्रीज, इफ मास इज इंक्रीजेस देन इट्स वेलोसिटी विल बी डिक्रीजेस। तो ये मैंने कुछ स्पेशल केस बताए आपको मोमेंटम के। बाद में हम इस चैप्टर के एंड में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे, वो बहुत डिटेल टॉपिक है, रॉकेट प्रोपल्शन, कोलिजन, ये इस पर डिपेंडेंट बहुत से टॉपिक पढ़ेंगे। अभी हमने आपको मोमेंटम इसलिए पढ़ाया क्योंकि मोमेंटम का कॉन्सेप्ट हमको यूज करना है किसमें, न्यूटन्स लॉ में। क्लियर, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ या न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स
सेकंड ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है न्यूटन सेकंड लॉ का। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। दैट मींस इफ एफ इज अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी पी बाई डी टी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसको बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज। तो न्यूटन ने अपने सेकेंड लॉ में क्या बताया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। मतलब किसी भी बॉडी पर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी के मोमेंटम में टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंज होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड न्यूटन सेकंड लॉ। एंड द चेंज ऑफ डायरेक्शन, आगे न्यूटन ने बताया, एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम इज टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। मतलब मोमेंटम में, मोमेंटम इज ए आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो मोमेंटम में चेंज किधर होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जाएगा। ऐसा नहीं कि हम नॉर्थ डायरेक्शन में फोर्स लगाएं और ईस्ट डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज हो। मतलब चेंज किस में आएगा, टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दैट मीन्स द कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज इन मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम इज टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। और इसका मैथमेटिकल फॉर्म है, आगे इसको हम सॉल्व करें, दैट इम्प्लाइज एफ इक्वल, यहाँ एक कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज कॉन्स्टेंट इज के, ये हो जाएगा डी पी बाई डी टी। दैट इम्प्लाइज एफ इक्वल टू के डी बाई डी टी, अभी हमने पढ़ा है P इक्वल टू होता है m इंटू वी, क्लियर। तो हम P का वैल्यू m इंटू वी पुट अप कर देंगे, दैट इंप्लाइज f इक्वल टू k, यहाँ m कांस्टेंट है इसको बाहर कर लिए, और डी वी बाई डी टी, दैट इंप्लाइज f इक्वल टू k इंटू m, डी वी बाई डी टी इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज, डी वी बाई डी टी क्या होता है, एक्सेलरेशन, हो जाएगा एक्सेलरेशन ए। एंड इफ द कांस्टेंट इज यूनिट देन फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस तरह से यहां से एक न्यू कॉन्सेप्ट आया फोर्स का, द फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। किसी भी बॉडी का मास और उस बॉडी में जितना एक्सेलरेशन हो रहा है उसका प्रोडक्ट क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। एंड इट्स यूनिट न्यूटन, न्यूटन इसका यूनिट है। अब हम यहां पर डिफाइन करेंगे वन न्यूटन बाय द हेल्प ऑफ सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ के हेल्प से हम डिफाइन करना चाहते हैं कि वन न्यूटन फोर्स कितना होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन न्यूटन फोर्स। देन इन दिस फार्मूला इफ वी कंसिडर मास इज 1 kg एंड एक्सेलरेशन इज 1 meter पर सेकंड स्क्वायर, देन फोर्स इज 1 newton। दैट मीन्स द डेफिनेशन ऑफ 1 newton इज 1 newton फोर्स इज दैट फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट ए 1 kg मास पार्टिकल इन 1 meter पर सेकंड स्क्वायर। हमारे पास 1 kg मास का कोई पार्टिकल है, बॉडी है, उसको 1 meter पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करना है तो जितना फोर्स का जरूरत पड़ेगा वही क्या कहलाएगा, 1 newton कहलाएगा। इमेजिन करो कि मेरा ये जो मार्कर है वो 1 kg का है, सपोज 1 kg का है। अब इस मार्कर को मैं थ्रो करके 1 meter पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करना चाहता हूँ। इस तरह से मैं थ्रो किया और इसमें 1 meter पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन मैं चाहता हूँ, तो जितना फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा दैट इज 1 newton। क्लियर कॉन्सेप्ट, मतलब 1 kg मास के पार्टिकल में 1 meter पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लाने के लिए जितना फोर्स हमको ज़रूरत होता है
वही क्या कहलाता है, वन न्यूटन कहलाता है। क्लियर, ये होता है वन न्यूटन। ये है न्यूटन्स सेकेंड लॉ, एंड फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको यदि आप कैलकुलस के मेथड से नहीं करेंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाता है, फिर पी के जगह में मैं क्या लिखता, एम वी माइनस एम यू, फिर वी माइनस यू अपॉन टी, ऐसे थोड़ा लेंदी हो जाता है। कैलकुलेशन इज शॉर्टकट एंड ईजी मेथड, इसीलिए कभी भी कैलकुलस में कमांड जरूरी है फिजिक्स अच्छा समझने के लिए। क्लियर, ये कहलाता है न्यूटन्स सेकेंड लॉ। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। देखिए आज के सेशन में, आज के लेक्चर में मैं ओनली न्यूटन्स के रूल्स और इम्पल्स मतलब बेसिक फंडामेंटल पढ़ाता हूँ। इसके बाद जो मेरा इसका सेकंड सेशन होगा उसमें इसके सभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर होंगे। राकेत पापू सर, नाउ थर्ड इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स का थर्ड लॉ तो ओनली वन लाइन का स्टेटमेंट है, ओनली वन लाइन। क्या है सबको पता है, बचपन से पता है, आप पढ़ते आ रहे हो, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। मतलब क्या हुआ, हर एक्शन के अपोजिट रिएक्शन होता है। आप किसी को गाली दोगे तो आपको नमस्कार नहीं करेगा, क्या करेगा, गाली देगा। एक्शन के अपोजिट क्या होता है, रिएक्शन होता है। आप किसी को मारोगे वो भी आपको मारेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि न्यूटन्स के रूल जितने हमारे फिजिकल वर्ल्ड में यूज़ नहीं होते उससे भी ज़्यादा हमारे बिहेवियर में यूज़ होते हैं। क्लियर, बोलते हैं ना गिव रिस्पेक्ट देन टेक रिस्पेक्ट, आप किसी को इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगा। दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ, दैट मीन्स टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नाउ मैथमेटिकल थर्म इज, सपोज दिस इज ए टेबल, ये कोई टेबल मैंने इमेजिन कर लिया सपोज, और इस टेबल के ऊपर में कोई बुक रखा है, कोई ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है, ये सपोज हमने इसके ऊपर में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया। अब ये बुक इस टेबल पर जो फोर्स लगाएगा, सपोज ये एफ वन टू है, और टेबल इस बुक पर जो फोर्स लगाएगा वो अपोजिट, वो सपोज एफ टू वन है, तो क्या होगा, ये दोनों इक्वल होंगे। इस तरह से हम इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं, एफ वन टू इक्वल टू एफ टू वन, बट डायरेक्शन इज अपोजिट, हमने यहाँ माइनस साइन लगा दिया। तो एक्शन के अपोजिट क्या होता है, रिएक्शन होता है। एक्चुअल में हम जितना वर्क कर पाते हैं वो रिएक्शन फोर्स के कारण है। जैसे हम यहाँ पर चल पा रहे हैं, जब हम चल पाते हैं अपने पैरों से जब आगे बढ़ पाते हैं, ये सब किसके कारण होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ के कारण होता है। कैसे होता होगा देखिए, एक छोटा एग्जांपल आपको बताऊं कि सपोज ये ग्राउंड है इस तरह से, और इस ग्राउंड के ऊपर में ये सपोज हमारा पैर है, ये हमारा पैर है, इसको आप अपना इमेजिन कर लो। अब यहाँ पर जब हमको चलना होता है तो हम इसके फ्रंट पंजे की तरफ क्या करते हैं, इस तरह से फोर्स लगाते हैं, ऐसा नहीं लगाते, वर्टिकल नहीं लगाते हम, कुछ एंगल बना के फोर्स। आप ऐसा खड़े रहो और आप नीचे ज़मीन पर वर्टिकल फोर्स लगाओ, आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं बढ़ पाओगे। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं पूरा फोर्स वर्टिकल डाउनवर्ड लगा रहा हूँ, मैं यहीं खड़े रहूँगा चाहे जितना फोर्स लगाऊँ, तो क्या करना होता है, ऐसा अपने पैर के बैक साइड को ऊपर उठाते हैं और ऐसा आगे बढ़ते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, ये वाले पोर्शन को ऊपर उठाते हैं ऐसा, तो तुरंत इसमें क्या होता है, एक रिएक्शन फोर्स डेवलप हो जाता है, रिएक्शन फोर्स डेवलप होता है। और ये हमारा वेट है सपोज एम जी, ये इसका अपोजिट फोर्स है, और ये हॉरिजेंटल सपोज हमने थीटा एंगल बना के यहाँ पर फोर्स लगाया, किसके साथ, हॉरिजेंटल के साथ में, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, वर्टिकल अपोजिट है, ये कंपोनेंट हो जाएगा आर साइन थीटा, ये कंपोनेंट हो जाएगा आर कास थीटा। अब हम चलते कैसे हैं, देखो ये जो आर कास थीटा फोर्स है जो अपवर्ड लग रहा है वो हमारे वेट के साथ में बैलेंस हो जाता है, ये हमारे वेट को कम कर देता है। सपोज मैं 70 केजी का हूँ, लेकिन जैसे मैं चलने के लिए स्टार्ट करूँगा तो उस टाइम मेरा वेट मूविंग कंडीशन में एग्जैक्ट 70 केजी नहीं रहेगा, क्योंकि वो आर कास थीटा से बैलेंस हो गया। और आर साइन थीटा जो होता है, जो फॉरवर्ड है, जो फॉरवर्ड फोर्स है, उसको पीछे बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स नहीं है, तो यही फोर्स हमको क्या करके ले जाता है, ये आगे ले जाता है हमको। चलने का कॉन्सेप्ट आया समझ में, हम चलते कैसे हैं, इस तरह से हम चलते हैं, जैसे हम अपने पैर को पीछे से उठाते हैं, फोर्स लगाते हैं, रिएक्शन फोर्स डेवलप होता है, रिएक्शन फोर्स के टू कंपोनेंट्स डेवलप हो जाते हैं, आर साइन थीटा एंड
क्लियर, ये कहलाता है न्यूटन्स थर्ड लॉ। और बहुत से एग्जांपल हैं, अभी रॉकेट प्रोपल्शन वगैरह जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो आपको यह सब चीज़ और अच्छे से क्लियर करूंगा। ये आप बहुत से एग्जांपल हैं, आपने देखा होगा कि रस्सी से कुएं से अपन पानी निकालने वाला आज का सिस्टम नहीं है, पहले देखा होगा कहीं गाँव में, देखा होगा फिल्मों में तो ज़रूर देखा होगा। तो इस तरह सब निकालते हैं। सपोज उस समय अचानक स्ट्रिंग ब्रेक हो जाए, रस्सी टूट जाए, तो निकालने वाला क्या होता है, पीछे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि बाल्टी जब निकल रहा है तो एक्शन और रिएक्शन फोर्स क्या है, बैलेंस है इस कंडीशन में। और इसमें से एक फोर्स यदि लगना बंद हो जाए, आप इमेजिन करो कि ये F2 यदि ना लगे तो टेबल टूट जाएगा, नीचे गिर जाएगा। क्लियर? तो ये बैलेंस फोर्स है न्यूटन्स थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल और बता दूँ। जैसे आपने देखा कभी बचपन में आप खेले होंगे, अभी भी खेलते होंगे, कि हम क्या करते हैं, बैलून में गुब्बारे में मुंह से हवा भर देते हैं, उसका बैलून को पकड़ के ऐसे छोड़ देते हैं। बचपन में हम लोग भी खेलते थे। तो इस तरह से जैसे अपन छोड़ते हैं तो बैलून क्या होता है, पीछे भागने लगता है। ऐसा क्यों पीछे भागने लगता है? क्योंकि जो बैलून होता है, और यहाँ से जैसे हम इसको एयर बाहर निकलता है तो रिएक्शन फोर्स लगता है इस पर ऊपर, और वो आगे जाने लगता है। इस छोटे से कॉन्सेप्ट से जेट फ्लाइट बने, रॉकेट का जो प्रिंसिपल है जिसके जेट से बाहर एयर निकलता है, तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, आपको आगे और मैं बताऊंगा। क्लियर? ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ। एंड नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इम्पल्स। देखिए न्यूटन्स के पूरे रूल्स बिहेवियर में बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल हैं। इम्पल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज इम्पल्स? इम्पल्स को हम जनरली जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और जे इक्वल टू होता है एफ इंटू डेल्टी। मतलब क्या हुआ इसका? जैसे मोमेंटम एक फिजिकल क्वांटिटी था, मास इंटू वेलोसिटी, इम्पल एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो अप्लाइड फोर्स एंड स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के सामने जब हम डेल लगाते हैं तो उसको हम स्मॉल अमाउंट बोलते हैं। क्लियर? तो किसी बॉडी पर अप्लाइड फोर्स और स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या कहलाता है, इम्पल्स कहलाता है। क्लियर? तो ये इम्पल्स है, इसको आगे हम थोड़ा सा और सॉल्व कर दें तो इस तरह से हम लिख सकते हैं एफ इक्वल टू जे अपॉन डेल्टी। इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं, अभी इस पर मैं कुछ एक्सप्लेन करूँगा। अब इम्पल्स और मोमेंटम में बहुत क्लोज रिलेशन है। यहाँ पर एक छोटा सा थ्योरम पढ़ते हैं, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इसको ध्यान से समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा सा थ्योरम लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम ये क्या है, देखिए, सिंस वी नो दैट, अभी हम पढ़े हैं एफ कांस्टेंट को इक्वल ले लें, एक्स इक्वल टू dp/dt, दैट इंप्लाइज dp इक्वल टू हम लिख सकते हैं f(dt). नाउ इंटीग्रेट, यदि हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो इंटीग्रेशन ऑफ dp इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ p/dt। अब इसमें हम लिमिट पुट अप कर देते हैं। सपोज इनिशियल मोमेंटम इज p1 एंड फाइनल मोमेंटम इज p2, एंड हियर इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल टाइम इज t एंड फाइनल टाइम इज सपोज f(dt) ना, सॉरी ये f(dt). तो इनिशियल टाइम सपोज 0, फाइनल टाइम t है। आगे हम इसको इंटीग्रेशन कर दें तो dp का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, p1 to p2 एंड f कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, और t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t 0 to t। दैट इंप्लाइज यहाँ पर देखो इसको, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू f(t), स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम इसको डेल्टी भी कह सकते हैं। अब देखो f(dt) क्या है, f(dt) क्या है, इम्पल्स है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयर फोर्स इम्पल्स इक्वल, ये क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। ये फार्मूला आप हमेशा याद रखेंगे, न्यूमेरिकल से बहुत कम आएगा। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहता है, द इम्पल्स इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, नॉट रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ना ओनली चेंज इन मोमेंटम, रेट नहीं,
रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम तो क्या हो जाता है, फोर्स हो जाता है। तो किसी भी बॉडी का जो इम्पल्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसको हम डेल पी भी कह सकते हैं, तो देयरफॉर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं डेल पी जे इक्वल टू डेल पी। अब देखिए ये जो मैंने फार्मूला भी स्टार्टिंग में बताया उसका हमारे डेली लाइफ में बहुत से एप्लीकेशन है। क्रिकेट तो आप सब खेलते होंगे, ठीक है, क्रिकेट तो नेचुरली आप सब खेलते होंगे। तो जब आप किसी बाल को कैच करते हैं तो बाल को कैच करने के बाद आप अपने हाथ को थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं। ऐसा आप क्यों करते हैं, देखिए यहाँ पर डेल टी डिक्रीज होगा, डेल टी को जितना भी यहाँ से आप समझिए इसको, यहाँ से देखिए ये डेल टी है, इसको आप डिक्रीज करोगे तो फोर्स के साथ कैसा रिलेशन है, या ऐसे ही देखो एफ इक्वल टू जे अपॉन डेल टी, यदि जे को मैं कांस्टेंट करना चाहूँ तो डेल टी क्या है, फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स यदि डेल टी को आप इंक्रीज करेंगे, यदि आप डेल टी को इंक्रीज करेंगे तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो हम देखिए क्रिकेट के बाल को जब कैच करते हैं तो बाल को पकड़े, पकड़ने के बाद उसको हम पीछे ले जाते हैं, मतलब उसको रेस्ट कंडीशन में लाने के लिए जो टाइम इंटरवल है उसको क्या कर देते हैं, अपन इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो फोर्स डिक्रीज हो जाता है। कौन सा फोर्स, जो हमारे हाथ पर अप्लाई होता है थ्रू बाल, बाल के थ्रू हमारे हाथ पर जो फोर्स अप्लाई होता है वो है, तो फोर्स डिक्रीज होगा तो हाथ में चोट कम लगेगी। सपोज हम बाल को इमीडिएट पकड़ के रेस्ट में ले आए तो टाइम डिक्रीज हो जाएगा, टाइम डिक्रीज होगा तो एफ इंक्रीज हो जाएगा तो हाथ में चोट ज़्यादा लगेगी। यह बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे हमारे पास ग्लास का या चीनी मिट्टी वगैरह का कोई कंटेनर होता है, कप होता है, चाय वगैरह पीते हैं वो होता है, उसको हम टाइल्स के ऊपर वाले फर्श में गिरा दें तो टूट जाता है। क्यों टूट जाता है, क्योंकि वहाँ पर टाइम डिक्रीज हो जाता है, बहुत कम टाइम लगता है रेस्ट में आने में। लेकिन उसी को यदि हम गद्दे पर बिस्तर में गिरा दें या रेत के ऊपर गिरा दें या किसी भी सॉफ्ट चीज़ के अंदर किसी स्पंज के ऊपर गिरा दें तो नहीं टूटता, क्योंकि जैसे ही वो उस पर जाता है उसके बाद वो धीरे धीरे अंदर जाता है, मतलब रेस्ट में आने में ज़्यादा टाइम लेता है। तो टाइम क्या होता है, फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्लियर। ये आप देखे होंगे कि आप किसी हाइट से जमीन में आप जंप करते हो, तो पानी में हम जंप करते हैं, तालाब में सपोज या स्विमिंग पूल में हम ऊपर से जंप करते हैं तो हमको चोट नहीं लगता, लेकिन हम यदि हार्ड सरफेस पर जंप करें तो हाथ पैर टूट जाते हैं। क्यों, क्योंकि वाटर में जंप करते हैं तो वाटर में जंप करने के बाद हम धीरे धीरे वाटर के अंदर जाते हैं, मतलब टाइम इंक्रीज हो जाता है तो फोर्स डिक्रीज हो जाता है। यदि हम हार्ड सरफेस पर जंप कर दें तो हम इमीडिएट रेस्ट में आ जाएंगे, तो तुरंत रेस्ट में आने के कारण क्या होता है, फोर्स ज़्यादा लगता है तो चोट लगती है। यह है इम्पल्स का कॉन्सेप्ट। तो आज के इस सेशन में मैंने आपको पढ़ाया बेसिक, बिल्कुल बेसिक चीज़ लॉस ऑफ मोशन का, जो कि आपको जानना जरूरी था, यदि आपको बेसिक क्लियर ना हो तो आगे आपको प्रॉब्लम होगा। तो आज के सेशन में हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, मोमेंटम, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, इम्पल्स, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। और इसके बाद का जो इस चैप्टर का एडवांस टॉपिक है जो कि रॉकेट प्रोपल्शन है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और कोलिजन, ये दोनों लॉस ऑफ मोशन के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको मेरे नेक्स्ट सेशन के वीडियो में मिलेगा। ओके, थैंक यू।